मेरी कार की इंजन की ध्वनि अकेली रात में गूंथी राहों को ताकती थी। अंधकार अनंत सादगी की तरह फैला हुआ था। दूर के सड़क की दीप्ति ही मोनोटनी को तोड़ती थी। मेरी हेडलाइट्स की धूप में सड़क के किनारे से एक आत्मा दिखी, एक हिचकिचाहट जैसे ही कहीं से आ गई, जिसका छाया चित्र अंधकार में नृत्य कर रहा था। हार जोते मैंने कार रोक दी जब अज्ञात व्यक्ति गाड़ी में चढ़ा। मेरी पीठ पर एक ठंडक छाई, उनका चेहरा अंधकार में छुपा रहा और अवसादपूर्ण चुप्पी गाड़ी को भर गई। कुछ अनुपयोगी की भावना थी, लेकिन मैं चलाता रहा, तनाव से भरा हुआ। एक अचानक मोड़ मुझे मुख्य सड़क से हटा लिया और जब मैं रियर व्यू मिरर में झांका तो यात्री गाड़ी से गायब हो गई थी। हृदय की धड़कनों में आतंक बूढ़ा कर रहा था। बेहद कहीं खड़ा मैं पास के जंगल में गया, मदद पाने की आशा में। पेड़ों की छाया में अजीब आकृतियां छोड़ती थीं, चांदनी की रोशनी में अजीब फिसफिसाहट गूंथी और रास्ता मेरी आंखों के सामने बदलता हुआ दिखाई देता था। जंगल की गहराई में मैंने एक छोड़ा हुआ घर देखा, चीखते दरवाजे के अंदर जाने का प्रस्ताव। हवा असहनीय भावना के साथ भरी हुई थी और भूतपूर्व छायाएं दीवारों पर नृत्य कर रही थीं। घर के भीतर मैंने एक श्रृंगार में एक श्रृंगार की फोटो खोजी जो एक दुखद इतिहास का खुलासा कर रही थी। बीते के आत्माएं जैसे ही मेरे चारों ओर साकार हो गईं, उनकी खोखली आंखों से मुझे देख रही थीं। हर कदम के साथ डरावनी कहानी खुली। कहानी के मुख्य अंतर में मैंने खुद को यह पता लगाया कि हिचकिचाएकर को शांति की तलाश है। मैं उनके अस्पष्ट सफर में अनजाने में खिचड़ी गई थी, जो हाइनंटेड हाईवे से हमेशा के लिए बंधी गई थी। सच्चाई ने मेरे हड्डियां हिला दी। अगला पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।